नमस्कार, CSIR नेट के मन की बात में आज एक सोचने वाला क्वेश्चन। जी हाँ, सोचना पड़ेगा, है ना? और देखते हैं कि कितनी खूबसूरती से हम इसको सोच पाते हैं। के सबसेट है सी का और यह एक बाउंडेड सेट है। एच ऑफ सी जो है यह सेट ऑफ ऑल एंटायर फंक्शंस का कलेक्शन है, मतलब कि वो सारे फंक्शन जो सी टू सी एनालिटिक है उन सब का कलेक्शन है। सी ऑफ के की बात करें तो यह डिनोट करता है के ऊपर जितने भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हो सकते हैं उस सब को कलेक्ट कर लेंगे। तो ये सब जो है एक क्लास है, ठीक है। एच ऑफ सी कहने का मतलब सारे के सारे एंटायर फंक्शंस, है ना। सी ऑफ के कहने का मतलब सारे के सारे वो फंक्शंस जो कि कॉन्टिन्यूअस है के ऊपर में। के क्या है भैया? तो एक बाउंडेड सेट। देखिए ये सब इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है, ठीक है, ओके। अब यहां पे अगर हम बात करें तो एक रेस्ट्रिक्शन मैप दिया जा रहा है, और रेस्ट्रिक्शन मैप कहां से कहां तक? तो सारे के सारे एंटायर फंक्शंस का जो सेट था उससे, है ना, यहां पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन के, मतलब आउटपुट, मतलब इनपुट्स जो है वो एंटायर फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। ये सब के सब, जैसे एफ जो भी इनपुट के तौर पे आर एक्सेप्ट करेगा वो सारे एंटायर फंक्शन को ही एक्सेप्ट करेगा, मतलब आर के डोमेन में सिर्फ एंटायर फंक्शन है, वो फंक्शन जो कि सी से सी पर एनालिटिक है। और यहां पे सी ऑफ के मतलब आउटपुट के रूप में आपको क्या मिल रहा है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मिल रहा है जो कि के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इस तरीके से R of F is equal to F के डिफाइंड है। तब आपसे पूछ रहा है कि R जो है वह इंजेक्टिव होगा कब, ठीक है। कॉम्पैक्ट होना चाहिए, कनेक्टेड, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, फाइनाइट, यही सब बातें हैं। यहां पे हमने शुरू में ही आज क्या बोला कि सोचना पड़ेगा। क्या आप एक ऐसा के सोच सकते हैं जो कि कॉम्पैक्ट भी हो, कनेक्टेड भी हो और फाइनाइट भी हो, ठीक है। अब जब इतने सारे गुण अगर किसी सेट में हो तो वह एक नंबर का सेट होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि एक ऐसा सेट जिसमें कि एक ही एलिमेंट हो, यानी कि सिंगलटन सेट लेते हैं। और यह जो है आप सब जानते हैं कि यह कॉम्पैक्ट भी है क्योंकि क्लोज्ड एंड बाउंडेड है, कनेक्टेड भी है, ठीक है। ट्रिवियली जो है इसको भी इंटरवल कहते हैं। और अगर सेट ऑफ ओके, तो यहां पे कॉम्पैक्ट भी है, कनेक्टेड भी है, ठीक है, फाइनाइट है ये है, ठीक है। तो यहां पे ये क्या है? एक सिंगलटन सेट जो कि कॉम्पैक्ट है, कनेक्टेड है, फाइनाइट है। अब अगर यह सिंगलटन सेट इसको डिस्कार्ड कर दें, मतलब कि R ऑफ F इज इक्वल टू एफ के, इसके लिए अगर हम कोई एक ऐसा ऐसे फंक्शंस के ऊपर डिफाइन कर दें जिससे कि यह साबित हो जाए कि यह इंजेक्टिव है या इंजेक्टिव नहीं है, वो तो अभी करेंगे तो पता चलेगा। तो इससे बहुत सारे गुण के बारे में हमें पता चल जाएगा कि के क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब सबसे पहले क्या काम कर लेते हैं कि यहां पे डोमेन क्या था भैया? डोमेन था एच ऑफ सी, यानी कि एंटायर फंक्शन। तो दो ठो एंटायर फंक्शन ले लेते हैं। अब जब एंटायर फंक्शन की बात होती है ना तो हम क्या करें, ध्यान साइन जेड पे चला जाता है, जेड पे चला जाता है, है ना। आम आदमी है तो आम फंक्शन, मतलब कि ये सब जो है ना फंक्शन एंटायर के तौर पे किसी के भी दिलो दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि भैया ये दोनों एंटायर फंक्शन। तो साइन जेड भी और जेड भी दोनों हमने यहां पे एंटायर फंक्शन एच ऑफ सी यानी कि अपने डोमेन से ले लिया। अब जब इस पे आर अपना कार्य करेगा तो यहां पे देखिए आर ऑफ एफ, ठीक है। तो अब यहां पे एफ के जगह पे क्या इनपुट डालिएगा, जो एच ऑफ सी का एलिमेंट जो कि एंटायर है वही ना डालिएगा। तो ये हो जाएगा आर साइन जेड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर ऑफ साइन जेड, ठीक है। अब ये जो साइन जेड निकलेगा, जैसे एफ डाले आर में, तो फिर जब वो निकला आउटपुट के तौर पे तो यहां पे रेस्ट्रिक्शन के लग जाएगा। तो
तो जब आर के अंदर आप साइन जेड को डालोगे तो यहां पे साइन जेड, और आपने जो के रखा हुआ है वो के क्या है, सिंगलटन जीरो, तो यहां से क्या हो जाएगा साइन जीरो यानी कि जीरो, समझे, साइन जेड एट के इज इक्वल टू सिंगलटन जीरो, तो साइन जीरो बराबर जीरो आ जाएगा। अब यहां पे फिर से एक बार R ऑफ F की बात कर लिया जाए, और इस बार क्या करेंगे R ऑफ Z रखेंगे, ठीक है, तो R ऑफ Z रखेंगे तो ये भी आ जाएगा Z एट जीरो, क्यों, क्योंकि K पे रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, K है सिंगलटन जीरो, तो Z एट जीरो ये भी हो जाएगा आपका जीरो, ठीक है। तो यहां से क्या चीजें देखने को मिली कि R ऑफ साइन Z भी जीरो, बहुत बढ़िया, K के ऊपर, और R ऑफ Z भी K के ऊपर आपको क्या मिल गया, जीरो मिल गया, ठीक है। अब एक बात बताइए कि साइन Z और Z कोई जरूरी नहीं है ना कि हमेशा बराबर हो, लेकिन ये क्या इंप्लाई किया कि R ऑफ साइन Z और R ऑफ Z आपस में दोनों बराबर होगा उनके, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि आपका R जो है इंजेक्टिव नहीं है, R इंजेक्टिव नहीं है, R इज नॉट इंजेक्टिव, काहे भाई, क्योंकि इंजेक्टिव का डेफिनेशन आप सब जानते हैं कि अगर f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 है तो इसका मतलब है कि x1 बराबर x2 होना चाहिए, या फिर इसी को ऐसे भी कहा जाता है कि अगर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 आपस में बराबर नहीं है तो ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं होगा। इंजेक्टिव का मतलब ही है कि अगर इनपुट आपस में बराबर है तो आउटपुट भी आपस में बराबर होगा, अगर इनपुट आपस में बराबर नहीं है तो आउटपुट भी आपस में बराबर नहीं होगा। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि यह इंजेक्टिव नहीं होगा। अब जैसे ही ये बात क्लियर हुआ कि यह इंजेक्टिव नहीं होगा, तो यहां से हमने क्या देखा कि के कॉम्पैक्ट था, कनेक्टेड था, फाइनाइट था, तब भी आर इंजेक्टिव हुआ, नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, ये तीनों जो है गलत बात है, ठीक है। तो सही बात क्या है, के इज अनकाउंटेबल, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये जो आंसर होगा उसको और अच्छे से समझने के लिए आप G ऐसे डिफाइन कर लीजिए, G इज इक्वल टू R ऑफ F माइनस एफ के, ठीक है, और यहां पे K ले लीजिए अनकाउंटेबल सेट। तो जब आप K ले लीजिएगा ना अनकाउंटेबल सेट, तो उस केस में क्या होगा कि K का लिमिट पॉइंट K के अंदर एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो डोमेन के अंदर अगर जीरोज, इसके जो जीरोज होंगे वो क्या होंगे, f होंगे, f ही ना इसका जीरो, g का जीरो क्या होगा, f होगा, क्योंकि r ऑफ f बराबर f के, तो f के माइनस f के जीरो हो जाएगा। तो इसके जो जीरोज, मतलब आइडेंटिटी थ्योरम क्या कहता है, यही ना कहता है कि अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है किसी डोमेन के ऊपर, ठीक है, और अगर उस फंक्शन के जीरोज वाला जो सेट है उसका लिमिट पॉइंट अगर डोमेन में एग्जिस्ट कर गया, मतलब कि डेराइव्ड सेट और डोमेन ये दोनों अगर इंटरसेक्टिंग है, दोनों का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल्स टू फाइ है, तो उस केस में वह फंक्शन आइडेंटिकली इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो यहां पे g बराबर r ऑफ f माइनस f के जो है इसके जीरोज क्या होंगे, f होंगे, ठीक है, और k जो है अगर हम वो अनकाउंटेबल सेट ले लेते हैं तो उसका लिमिट पॉइंट उसके अंदर होगा। इसका मतलब क्या है कि g जो है ये आइडेंटिकली इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, इसका मतलब r ऑफ f माइनस f के बराबर जीरो हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, r ऑफ f बराबर f के, तो इससे क्या होगा कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट डोमेन का एलिमेंट लेंगे तो कोरस्पोंडिंग आउटपुट भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो यहां से जो है ये चीजें क्लियर हो जाती है कि अगर आपका के अनकाउंटेबल होगा तो आर एफ इज इक्वल टू एफ के ये जो मैप है ये आपका इंजेक्टिव हो जाएगा, ये आपका वन वन हो जाएगा। मन की बात में आप और क्या देखना चाहते हैं कमेंट करें, तो हम निश्चित तौर पे उस पे वीडियोस लेकर के आएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डाउट है उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, अपने फीडबैक दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखते रहें और अपनों का भी।